أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم معزز سامعین کرام یہ سورت یونس کی چار آیات مبارکہ ہیں گزشتہ خطبے میں بھی انہیں آیات کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو بشارت دی ہے جنت کی اور بے خوف رہنے کی دنیا میں بھی اور آخرت میں, جنہیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ, اللہ کے دوست, اللہ کے ولی, اللہ کے ساتھی, اللہ کی جماعت, اللہ کا گروہ قرار دیا ہے. اور ان کی پہلی شرط یہ بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, پہلی یہ کہ وہ ایمان لائے اور پرہیزگار بنے. پرہیزگار, فرمانبرداری کا پورا تقاضا انہوں نے پورا کیا, جو اوامر تھے ان کی بے پابندی کی, اور جو نواہی تھے ان سے بھی انہوں نے اجتناب کی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تعبیر کی ہے وہ گزشتہ خطبے میں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے. بدقسمتی ہے ہماری اس امت کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت میں امت کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے فرقہ بندی سے, حزبیت سے, تشتت اور تفرق سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے بھی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف ہدایات اس امت کو دی تاکہ یہ امت ایک امت رہے, ان میں تفریق نہ ہو پہلی امتوں کی طرح. مگر امت کے بڑے ذہین لوگوں نے اور ہر دور میں ذہین لوگوں نے ہی فتنہ پردازی کی, الا ماشاء اللہ,
उन्होंने अपने अक़ल को मुकद्दम जाना और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की परवाह न की। उन्होंने जो तारीफ़ की ईमान की, उनमें एक गिरोह वो भी है, वो कहता है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से कामिल ईमान हासिल हो सकता है। मोहम्मद बिन करराम करामिया फ़िरका का बानी था, वो इस बात का दाई और इस बात का कायल था। अब इसके माना तो ये हैं कि जो मुनाफिक थे वो भी पक्के मोमिन थे, बात समझ गया ना। इसका माना तो ये हुआ क्योंकि एक मुनाफिक नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कुरान की शहादत है कि वो कहते थे नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके पीछे नमाजें भी पढ़ते थे, नमाजें भी आपके पीछे पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला ने क्या फरमाया, वल्लाहु यशहदु अन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह की गवाही ये है कि ये झूठ बोलते, मुनाफिक झूठे ज़ुबान से माज़ इकरार कर भी लेते हैं लेकिन ईमान इनके दिल में नहीं। मुर्जिया आए तो उन्होंने कहा कि ईमान दो चीज़ों का नाम है, एक तस्दीक बिल कलब का, दिल से इकरार किया जाए, और दूसरा इकरार बिल लिसान। हमारी जो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल की छोटी छोटी किताबें हैं उनमें भी ईमान की यही तफसील लिखी हुई, तारीफ लिखी हुई कि ज़बान से इकरार, इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल कलब, दिल से तस्दीक और ज़ुबान से इकरार, मुर्जिया का ये मौक़िफ़ था। लेकिन ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं, ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं। सही मौक़िफ़ हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का और सलफ़ का वो ये है कि तस्दीक बिल क़ल्ब, ईमान इकरार बिल लिसान और अमल बिल जवारेह, अमल करना। सिर्फ इकरार और तस्दीक का नाम ईमान नहीं। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने नमाज को ईमान करार दिया है, जब बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का अल्लाह अब्दुल जलाल वल इकराम ने हुक्म फरमाया, 16-17 माह आप बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, और बाद में अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि अब बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। मुनाफिकीन ने भी शोर मचाया और यहूदियों ने भी कि इनका किबला ही दुरुस्त नहीं होता, तो बैतुल मुकद्दस की तरफ पहले पड़ी हुई नमाजों का क्या बनेगा। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वहाँ ये बात इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह ला युज़ीयु ईमानकुम, यहाँ नमाज मुराद है ईमान से बिल इत्तिफाक तमाम सहाबा और तमाम मुफस्सरीन के नज़दीक। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे ईमान को अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। अब यहाँ ईमान से मुराद क्या है, यहाँ नमाजें हैं। सवाल नमाज के बारे में था कि उन नमाजों का क्या बनेगा फिर, जो पहले 16-17 माह तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ते रहे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे ही नमाजों को अल्लाह ज़ाय नहीं करे, इन्नल्लाह ला युज़ीयु ईमान। और इसी तरह सूरत तौबा में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ईमान लाने वालों के बारे में ये बात फरमाई, फैन ताबू व अकामु सलात व आतमु ज़कात फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। इसी को उलमा इस्तिलाह में ईमान वाजिब कहते हैं, मैंने गुज़श्ता खुतबे में अर्ज़ किया, इसी को ईमान वाजिब कहते हैं। ईमान वाजिब क्या है, ज़ुबान से तस्दीक, दिल से तस्दीक, ज़ुबान से इकरार, नमाज का पढ़ना और ज़कात का देना, ये गोया सबसे पहले दो हुक्म है नमाज के इकरार के बाद। हदीस में भी नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है
कि जो ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदो रसूलुल्लाह पढ़ता है और उसके बाद नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, फ़कद आसिम मिन्नी दिमाग़हुम व अमवालहुम व हिसाबहुम अल्लाह, उनका माल महफूज, उनकी जानें महफूज, उन पर कोई भी हाथ ना उठाए, उनका माल भी हराम है किसी दूसरे मुसलमान पर और उनकी जान भी हराम है। क्यों? ये मुसलमान है, तुम्हारे भाई हैं, मुसलमान पर मुसलमान का खून हराम है, मुसलमान पर मुसलमान का माल हराम है। ये तो आपने हज्जतुल विदा के खुतबे में भी फरमाया था, अला इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा, ये मुसलमानों को मुखातिब होकर फरमाया, खबरदार तुम्हारे खून, तुम्हारे माल एक दूसरे के लिए इसी तरह हराम है जिस तरह आज बलदे हराम में, हुर्मत वाले शहर में, हुर्मत वाले दिन में ये तुम हराम समझते हो। ये सिर्फ हुर्मत वाले महीने में नहीं, हमेशा के लिए ये मोहतरम है। तो इसी को उलमा ईमान वाजिब कहते हैं। अब हमारा हाल ये है कि हम नमाजें ना पढ़ें तब भी हमारा ईमान मुकम्मल है, ज़कात ना दें हमारा ईमान फिर भी मुकम्मल है। हालांकि ये तारीख की मुसल्लमा हकीकत है कि ज़कात का इनकार करने वालों ने, इनकार करने वालों के साथ हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने क़िताल किया था, जिहाद किया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ क़िताल किया था। उसकी तफसील मकसूद नहीं है, मकसूद यही है कि ईमान सिर्फ तस्दीक और इकरार का नाम नहीं। अब जो तस्दीक और इकरार का नाम लेते हैं वो इससे आगे बात बहुत आगे कहते हैं, वो कहते हैं ईमानी का ईमान जिब्राइल, ईमानी का ईमान लंबिया, औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, कि मेरा ईमान उसी तरह है जिस तरह के जिब्राइल का ईमान, मेरा ईमान उसी तरह है जिस तरह अम्बिया का ईमान। हालांकि ये बात सरासर गलत है, ईमान में भी कभी ज्यादा पेशी होती है, ईमान में भी कभी पेशी होती है। अल्लाह ने खुद फरमाया ज़ादतु इज़ातुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना, कि ईमान वालों पर जब कुरान पढ़ा जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। हदीस में आता है, हदीस शफात में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आखिर वक्त में अल्लाह सुबहानहु व तआला मुझे हुक्म फरमाएंगे कि जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल लो। अब ईमान में कमी बेशी हुई या नहीं हुई, तस्दीक में कमी बेशी हुई या नहीं हुई, राई के बराबर जिसके दिल में ईमान है नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाएंगे उनको भी जहन्नम से निकाल। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उनको निकाल लाऊँ और जन्नत में चले जाएंगे वो बिला। यानी इसी ईमान की बरकत, अल्लाह अकबर, अगर ईमान नहीं है, अगर ईमान नहीं है तो फिर नतीजा क्या है, इंसान का कोई अमल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल नहीं। तो सबसे पहली कदर जो है वो ईमान है, और ईमान को समझना चाहिए जिस तरह ईमान के इजहार के लिए, ईमान के इजहार के लिए हम इकरार बिल लिसान कहते हैं, इसी तरह ईमान के इजहार के लिए नमाज है और साथ ज़कात है, बाकी फ़राइज़ अलहदा हैं, उनकी वो हैसियत नहीं है, वो भी फ़र्ज़। जिस तरह नमाजें हैं, नमाजों में भी इशा और सुबह की नमाज की और असर की नमाज की जो हैसियत है वो मगरब की और ज़ोर की नमाज की हैसियत नहीं, नमाजों की भी हैसियत, उनके भी मरातब हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तो खैर, अर्ज करने का मकसद यह था कि पहली शर्त यह है कि इंसान ईमान से बाराबार हो, और दूसरा ये कि वो तकवे की ज़िंदगी इख्तियार करे, परहेजगारी की, इताअत और फर्माबरदारी की, नाफरमानी की नहीं। जो नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारता है वो अल्लाह का वली नहीं है, वो अल्लाह का दोस्त नहीं है, शैतान का दोस्त, वो शैतान का दोस्त,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ سورۃ ممتحنہ میں انہی اولیاء کو حزب اللہ بھی کہا ہے کہ یہ میری جماعت ہے، میرے فوجی ہیں، میرے سپاہی ہیں۔ اب ذرا وہ آیت بھی دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو، یودون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان سے دوست انہیں دوست رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جن کی دشمنی ہے ان کا ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ فرماتے ہیں ولو کان آباؤہم وابناؤہم واخوانہم وعشیرتہم، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہیں، ان کے والدین ہی کیوں نہیں، اور ان کا خیش قبیلہ ہی کیوں نہیں، نہیں لگتا ہمارا کچھ بھی، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں ہو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ناطہ نہیں، یعنی ان کی قدریں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، خاندانی تعلق اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے اگر تم دشمن ہو تو تم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جن کے دلوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان کو منقش کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، جس طرح پتھر پر آپ کلندہ کر دیتے ہیں کوئی عبارت تو صدیوں کے بعد بھی وہ پتھر مل جائے تو عبارت آپ کو مل جائے گی۔ آج اس دور میں یہ پرانی تاریخ کو جو مرتب کیا جا رہا ہے وہ پرانے پتھروں پر لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھ کر مرتب کیا جا رہا ہے، پہلی اقوام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی اقوام، لیکن یہاں یہ تو انسان کے لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان لکھ دیا، اور ساتھ کیا ایدہم بروح میں، اور اللہ ذو الجلال نے اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی، ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ ہے اللہ کا گروہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے اللہ کے اولیاء، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو یہ اللہ کے سپاہی کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ یہ اولیاء ہوں یا حزب اللہ ہوں یا اہل ایمان کی اصطلاحات جو قرآن میں آئی ہیں، اس میں سب سے اول والا میں مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے پہلے وہ ایمان لائے، وہ ایمان مخاطب ہے، اور وہ اللہ کا لشکر تھا جو ہر میدان میں کامیاب ہوا، جو اللہ کی تلوار او سیف اللہ وہ نہیں ٹوٹتی تو حزب اللہ کس طرح شکست کھا جائے، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ چارپائی میں فوت ہوئے، اور فوت ہوتے ہوئے کہہ فرماتے تھے بز دلوں کی ماں مر جائے، بز دلوں کی ماں مر جائے، جو کہتے ہیں جہاد میں جانے سے انسان مر جاتا ہے، میں اکیلا ہزاروں کے مجموعوں میں جاتا تھا اور اسی غرض سے جاتا تھا کہ کافروں کو تہ تہ کروں اور ان کے ہاتھوں یا شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت میری قسمت میں کہاں، میں تو آج چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ علماء نے کہا خالد کیسے شہید ہوتے، خالد کو اللہ ذو الجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر نے سیف اللہ کا لقب دیا، اگر اللہ کی تلوار ہی ٹوٹ جائے تو پھر باقی کیا رہے گا، اسی طرح اگر حزب اللہ
اللہ کا لشکر وہ شکست کھا جائے فتح یاب کون ہو؟ یہ حزب اللہ ہی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے پورے حجاز میں غالب آئے، پورے حجاز میں غالب آئے۔ یہ حزب اللہ ہی تھے جو ایران پہ بھی غالب آئے اور روم پر بھی غالب آئے۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ اللہ اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، کہ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا پھر کسرا ختم، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا قیصریت ختم۔ یہ کس کے ہاتھوں قیصر اور کسرا تہتے ہوئے فنا ہوئے، حکومتیں ختم ہو گئی، مسلمانوں کا وہاں غلبہ ہوا، یہ کن کے ہاتھوں ہوا، کس دور میں ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور۔ یہ حزب اللہ اللہ کی جماعت تھی، یہ آگے بڑھنے کے لیے تھی۔ تاریخ میں اپنی تاریخ کو پڑھے اس دور میں تو کسی میدان میں بھی حضرات صحابہ کرام کی تعداد مد مقابل کفار کے مقابلے میں زیادہ نہیں تھی، بلکہ نصف بھی نہیں تھی، آدھی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کا لشکر پھر بھی کامیاب ہوا۔ یہ اللہ کا لشکر تھا، کاش کہ ہم اللہ کا لشکر بننے کی کوشش کریں، لیکن اللہ کا لشکر بنتا کب ہے؟ جب اللہ والوں کا ساتھ دیں اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ لیکن ہم نے اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے، ان کے آئین کو اپنا آئین بنایا ہوا ہے، ان کی ہدایات پر عمل اپنی عزت و آبرو سمجھتے ہیں اس کی، ان کی ہدایات میں ہماری مالی معاملات ہوں، ہمارے دفاعی میں معاملات ہوں، ہماری تعلیمی معاملات ہوں، ہمارے تہذیبی معاملات ہوں۔ آپ مجھے بتلائیں کہ کیا ہم ان تمام چیزوں میں یورپ اور امریکہ کے تابع دار نہیں بنے ہوئے؟ پھر ہم حزب اللہ کس طرح ہے؟ کس طرح حزب اللہ ہے؟ حزب اللہ نہیں ہے، اسی لیے ہر طرف سے مسلمانوں کو پستی، شکست، شرمندگی، قوت ہونے کے باوجود، سرمایہ ہونے کے باوجود بھی، لیکن وہ مٹھی بھر جن کے پاس کوئی جناب کارخانے نہیں ہیں، اسلحہ کی فیکٹری نہیں ہے، لیکن اس جذبے سے کار فرما ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کا دشمن ہمارا دشمن ہے، وہ امریکہ ہو تب بھی، روس ہو تب بھی۔ اللہ نے ان کو غلبہ دیا یا نہیں دیا؟ اللہ نے ان کو غلبہ دیا یا نہیں دیا؟ کاش کہ مسلمان اس فلسفے کو اور اس حقیقت کو سمجھ پائیں اور یہ ایک جگہ ہو اور اپنے دشمن، جس کو اللہ نے فرمایا یہ میرے دشمن ہے تم ان کو دشمن بناؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، ایمان والوں کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن ہمیں اللہ کی بات پر ایمان ہی نہیں ہے، کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ہے ہم ایماندار لیکن ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کیسا؟ ایمان تھا ان کا، ان حزب اللہ کا۔ اللہ اکبر، کبھی اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، بدر کے میدان میں جب 3 سپوت آئے ہیں کافروں کے، ولید اور ان عتبہ اور شیبہ، انصار ان کے مقابلے میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور ہم ان سے نبڑتے، آپ پیچھے رہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو ان کو جانتے نہیں، جو مکے سے بھاگ کے آئے ہیں ان کو ہمارے سامنے لاؤ اور جا کے بتلائیں تو صحیح کہ کن کو مار کے آئے ہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا حمزہ، حمزہ اٹھو۔ فرمایا اٹھو علی، تم مقابلے کے لیے نکلو۔ فرمایا عبیدہ بن حارث کو، تم مقابلے کے لیے نکلو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ ان تینوں کے ہاتھوں کو تینوں تہتیگ اور جہنم واصل ہو۔ رشتے دار تھے حضرت علی کے، حضرت علی کے خاندانی طور پر یہ دونوں تینوں رشتے دار تھے، لیکن ان کے ہاتھوں کو قتل ہوئے۔ بدر ختم ہوا، میدان
उनके कैदी 70 हाथ में आए। हजरत उमर ने क्या फरमाया था रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया कि इन कैदियों के बारे में क्या करें, आपने क्या फरमाया उमर फारूक ने, हुजूर मेरी बात सुने, जो अबू बकर के रिश्तेदार हैं उनके सुपुर्द कर दो, जो मेरे रिश्तेदार हैं मेरे सुपुर्द कर, जो अली के रिश्तेदार हैं अली के सुपुर्द कर, जो हमजा के रिश्तेदार हैं उनके सुपुर्द कर दो और उनकी गर्दनें उड़ा दो। क्या लगते हैं हमारे, हमारा उनसे कोई नाता और ताल्लुक नहीं, ये है हिजबुल्ला, यही हजरत उमर फारूक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके हाथों उनके मामू तहत हैं। अबू उबैदा बिन जर्रा अमीन हाज़िहिल उम्मा लक़ब है नबी अलैहिस्सलाम ने दिया हजरत अबू उबैदा को, हजरत अबू उबैदा के हाथों जर्रा बाप कतल हुआ, बाप को कतल किया जंगे ओहद में अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके सामने उनके बेटे अब्दुर्रहमान आते हैं मुसलमान होने के बाद। अब्दुर्रहमान ने कहा अब्बा हुजूर बदर में कई दफा मेरे सामने आए लेकिन मैंने आंखें फेर ली। फरमाया बेटा अगर मेरे सामने तुम होते तो मैं कभी तुम्हें ना छोड़ता, मैं कभी तुम्हें ना छोड़ता। और इसी तरह आप देखें नबी मुसअब बिन उबैर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपने भाई उबैद बिन उमैर को कतल किया, मुसअब ने अपने भाई को कतल किया और एक भाई अबू अजीज उसको अंसारी ने पकड़ा, उसको अंसारी ने पकड़ा और बांधा। हजरत मुसअब फरमाने लगे इसको खूब अच्छी तरह मजबूत तरह बांधो, मजबूत की मजबूती से बांधो, इसकी वालिदा माँ जो है वो बड़ी सैब सरवत है, तुम्हें इसकी कैद की रिहाई से बड़ा मुआवजा मिलेगा। तो भाई कहने लगा मुसअब तू मेरा भाई नहीं? फरमाने लगे नहीं मैं तेरा भाई नहीं, मेरा भाई ये अंसारी है। मेरा भाई कौन है? ये अंसारी है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके सामने अबू कुहाफा वालिद ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक थप्पड़ नसीब किए। नबी अलैहिस्सलाम के पास हजरत तलहा बिन बरा आए रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा बिन बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आके अर्ज करने लगे उसद यदा का या रसूल अल्लाह, हुजूर हाथ फैलाइए मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया फरमाया माजा किस लिए? कहा अल इस्लाम, इस्लाम पर। काला व इन अमरतु का अंतक तो अबा का, अगर मैं तुम्हें हुक्म दूं अपने बाप को जा कत्ल करो तो करोगे? सोच में पड़ गया, मेरा आखिर कहा हाँ, तो मैं जाओ फिर जाओ कत्ल करके आओ। जब उठे और जाने लगे पीछे से आवाज दी और फरमाया कि वापस आ जाओ, मुझे अल्लाह हुजूर जलाल वाले इकराम ने कता रहमी के लिए नहीं भेजा, सिला रहमी के लिए भेजा है। ये तो तलहा का एक इम्तिहान था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यही तलहा फौत होते हैं, अजीब किस्सा है, यही तलहा फौत होते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रात के वक़्त इनका सहाबा ने जनाजा पढ़ा और साथियों से अर्ज किया फौत होते हुए कि मेरे जनाजे पर नबी अलैहिस्सलाम को जहमत न देना। क्यों? यहूदी नबी अलैहिस्सलाम की ताक में है, कहीं रात के अंधेरे में नबी अलैहिस्सलाम को कोई गजान मेरी वजह से ना पहुंचे, समझे? दुआ नबी अलैहिस्सलाम करें, हर एक की चाहत है या नहीं, तमन्ना है या नहीं, जनाजे के लिए आपको ले जाते थे या नहीं, लेकिन अपने जनाजे के लिए नबी अलैहिस्सलाम को जहमत ना देने की वजह क्या है? कि मेरी दुआ की बजाय आपको तकलीफ ना पहुंचे, मेरी वजह से आपको गुजान देना पहुंचे। सुबह ही सहाबा इकराम ने अर्ज किया हुजूर तलहा फौत हो गए, मुझे क्यों नहीं इतला दी? अर्ज किया हुजूर आप तलहा ने यह हुक्म दिया था, ये वसीयत की थी कि नबी अलैहिस्सलाम को खबर ना दे। फरमाया चलो मुझे कब्र पर ले जाओ। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ कब्र पर जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए।
कब्र के पर खड़े होके जो दुआ की, हाफिज इब्ने हजर ने असाबा में जिक्र किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उसमें ये अल्फाज भी कहे, अल्लाहुम्मा अल्के तल्हा व अंता तज़हको व हुवा यज़हको इलैक, अल्लाहु अकबर कबीरा, या अल्लाह तल्हा तेरे पास आया है, तेरे सामने खड़ा हो तो अल्लाह तू मुस्करा रहा हो तल्हा को देख के और तल्हा तुझे देख के मुस्करा रहा हो, तल्हा तुझे देख के मुस्करा रहा, ये दुआ दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पे खड़े हो। यही सहाबा किराम है नबी अलैहिस्सलाम में, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला बिन उबई, उसकी नालायकियों के नतीजे में जब सूरत मुनाफिकून उतरी तो यही अब्दुल्ला हाजिर होकर कहता है, हुजूर अगर बाप मेरे को कत्ल करना है तो मेरी ड्यूटी लगानी है, किसी और की ड्यूटी नहीं लगानी, मुझे हुक्म दे, बतलाइए ये है ना हिस्बुल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में आपकी हमनवाई में, ना बाप की परवाह है, ना भाई की परवाह है, ना मामू की परवाह है, ना किसी और रिश्तेदार की परवाह है, परवाह है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले ईमान की। ये हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह और ये है अहले जन्नत। ये तो दुनिया का मामला है, लेकिन एक बात मैं और आपसे अर्ज करनी चाहता हूँ नहायत इख्तिसार के साथ, वक्त नहीं है सारी बात का, सूरत आप वाकया पढ़ें, तीन जमातों का क़यामत के दिन अल्लाह ज़ुल्जलाल ने जिक्र किया है और ये तीनों का जिक्र कुरान मजीद में सूरत वाकया में दो जगह है, सूरत मुतफ़िफ़ीन में है, सूरत दार में है, और सूरत दार के साथ साथ अल्लाह आपका भला करे सूरत फातिर में। इन तीनों जमातों का, तीनों गिरोहों का खुलासा कलाम किया, अल्लाह ज़ुल्जलाल फरमाते हैं वकुंतुम अज़वाजन सलासा, ये तुम तीन जमातें होगी, तुम तीन जमातें बनोगी क़यामत के दिन, फअसहाबुल मैमना मा असहाबुल मैमना व असहाबुल मशअमा मा असहाबुल मशअमा व सबिकून सबिकून, ये तीन हुए, सबिकून सबिकून, असहाबुल मैमना, असहाबुल मशअमा, सबकत ले जाने वाले, दाएं हाथ में नामनामा आमाल लेने वाले, बाएं हाथ में नामा आमाल लेने वाले, फरमाया ये तीन गिरोह होंगे। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह हमारे हाथों में दाएं हाथों में नामा आमाल अता फरमाए, साबिकून अव्वलून में अल्लाह ज़ुल्जलाल अपनी रहमत से हमें लिख दे, गो हम गुनाहगार ही सही। अब यहां देखिए उनके बनागे क्या इनामात हैं और असहाबे मशामा के बारे में क्या वईद है, असहाबुल मैमना के बारे में क्या इजाजात हैं, ये सारी तफसील अल्लाह ज़ुल्जलाल ने सूरत वाकया में बयान की। और वाकया में आगे जाके आयत नंबर 88 में फिर जाके अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने इन्हीं तीनों गिरोहों का जिक्र किया है, तीन गिरोहों का, याद रखें साबिकून अव्वलून, असहाबुल मैमना और तीसरे नंबर पे असहाबुल मशामा, इन तीनों का जिक्र सूरत के इख्तिताम पर भी किया है। और इन तीनों का जिक्र मैं अर्ज कर चुका हूं कि सूरत दहर में भी, मुतफ़िफ़ीन में भी, फातिर में भी अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जिक्र किया है। अब ये जो है तीन गिरोह, इनमें सबसे पहला कौन है, साबिकून अव्वलून, असाबिकून साबिकून, आगे बढ़ने वाले कौन है, वो सोचिए वो कौन है, वो अल्लाह खुद फरमाते हैं वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार रज़ी अल्लाह वल्लज़ीन तबऊहुम बेहसान रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुआन, जिनको अल्लाह ने इन मुकामात पे तीन जमातें करार दिए हैं और उनमें सबसे आला तरीन जमात साबिकून अल अव्वलून, जन्नत में जाने वाले। मेरे भाइयों हम झगड़े इख्तिलाफ करें, ये हम फैसले करने वाले कौन है आखिरत में, ये जन्नत में जाएगा वो जन्नत में जाएगा, कौन फैसला करने वाला है, ये फैसला किसके इख्तियार में है, अल्लाह जल जलाल के इख्तियार में है। वल अमरु यौमा ज़िल्लिल्लाह,
फैसला क्यामत के दिन जिसके हाथ में होगा, अल्लाह के हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, मालिक वो है, वो मालिक भी है और बादशाह भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो खैर, अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह ने फैसला दिया है तीन गिरोह बनोगे तुम, तीन गिरोह। एक अस्साबिकून अल्अव्वलून, अस्साबिकून अस्साबिकून, और दूसरा असाबुल मेमना दाएं हाथ में। हालांकि साबिकून अव्वलून असाब मेमना में भी है, लेकिन उनका वो जिक्र अलहदा मुस्तकिल की है। असाबुल मेमना का जिक्र मुस्तकिल की है, असाबुल मशमा का जिक्र मुस्तकिल की है, बाएं हाथ में जिनके नामा अमाल हो गए। बारे इलाहा, ये साबिकून अव्वलून कौन है, असाबिकून असाबिकून कौन है? अल्लाह फरमाते हैं असाबिकून अव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार, ये मुहाजरीन हैं, ये अंसार हैं, ये मुहाजरीन हैं और ये अंसार हैं, और ये जन्नती हैं। अल्लाह ने दुनिया में ये फैसला फरमाया, और मैं पिछले जुमे में बतला चुका हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो साबिकीन अंसार के बारे में ही नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मग़फिर लिल अंसार वले अबनाए अंसार वले अबनाए अबनाए अंसार। अल्लाह अंसार को भी माफ कर दे, अल्लाह अंसार की औलाद को भी माफ कर दे, अल्लाह अंसार की औलाद को भी माफ कर दे, अल्लाह। लेकिन अगर कोई कहे नहीं ये जन्नत में नहीं जाएंगे, ये जन्नत में नहीं जाएंगे, तो फिर बतलाया जाए साबिकून साबिकून है कौन, जिनको अल्लाह ने कहा है कि साबिकून है। और सबसे पहले ईमान लाने अव्वल वाला में और हजरत करने वाले और आपकी आपकी मदद और आपका तआवुन करने वाले अंसार, वो कौन है? सवाल ये, जवाब यही है कि वो हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। और उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोया फैसला फरमा दिया है कि ये तीन गिरोह है और सबसे अव्वलीन साबिकून साबिकून है, और दूसरे नंबर पे असाबुल मेमना। या असाबुल मेमना कौन है? ये बाद में आने वाले नेकी करने वाले, जिनके हाथों में अल्लाह दाएं हाथ में नामा आमाल अता फरमाएगा। साबिक तो पले चले गए, साबिक तो हाँ, बाज खुश नसीब ऐसे भी हैं, वो साबिकून साबिकून जो नेकी में सबसे संपत ले जाने वाले, जो नेकी में सबसे संपत ले जाने वाले, वो भी इन साबिकून में शामिल हैं। वो नेकी में पीछे नहीं रहते, आगे बढ़ते हैं, सबसे मुकद्दम नेकी करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें अस्हाबुस साबिकून में अस्हाबुल मेमना में बनाए, और हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुकाम और मर्तबे को समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ और बातें भी हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने चाहा तो इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में अर्ज करने की कोशिश करूँगा। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।